बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, चना, धनिया और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जीन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। सोमवार को मिला जुला रहा मक्का का बाजार, कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का से ही। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। सोमवार को इसके भाव कहीं उतरते हुए दिखाई दिए तो कहीं चढ़ते हुए। जम्बूसर मंडी में दर्ज हुई 300 रुपए की नरमी, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। मक्का के कारोबार पर देखिए हमारी पहली रिपोर्ट। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में उतार चढ़ाव का रुख रहा। वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में मक्का के सौदे में नरमी देखने को मिली। यहां 9 दिसंबर को मक्का का भाव 2200 रुपए था, जो 11 दिसंबर को 300 रुपए गिरकर 1900 रुपए क्विंटल रह गया। राज्य की ही दाहोद मंडी में भी सुस्ती के साथ कारोबार हुआ। यहां 9 दिसंबर को मक्का का भाव 2550 रुपए रहा, 11 दिसंबर को इसमें 25 रुपए की कमजोरी आई और भाव 2525 रुपए क्विंटल रह गया। राजस्थान के कोटा मंडी की बात करें तो यहां मक्का का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहां 9 दिसंबर को मक्का का भाव 2100 रुपए था, 11 दिसंबर को इसमें 50 रुपए की बढ़त हुई और भाव 2150 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगंज मंडी में बीते दो दिन यानी 9 और 11 दिसंबर को मक्का का भाव 2065 रुपए क्विंटल पर बना रहा। इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की उपज 359,13,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 337,30,000 टन की तुलना में 21,83,000 टन अधिक है। और आइए बात करते बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। साहिल जी, मक्का के बाजार भाव पर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मक्का के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो मक्का के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देखते हैं उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। इसकी मुख्य वजह अच्छे वेदर कंडीशन और मानसून के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल जो है इस वर्ष देखने को मिली है। घरेलू मांग में भी जो है लगभग 2-4% तक का सुधार देखने को मिला है और आगे जो इसकी सीजनल डिमांड है उसमें भी लगभग 5% तक की वृद्धि और होने की उम्मीद जताई जा रही है। निर्यात की ओर भी अगर हम नजर डालते तो वहां पे भी हमें अच्छा सुधार देखने को मिला है। जी, किसानों के लिए ऐसे में क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? जी सर, बिल्कुल, किसान भाई बहन मक्का के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। दिसंबर जनवरी के दौरान हमें 250 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर आगे और मांग में सुधार होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 से 450 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। जी बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि ये तेजी 400 से 450 क्विंटल तक पहुंच सकती है, उस समय का लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं। साहिल जी, आप हमारे साथ बने रहें, फिलहाल हम रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। ज्यादातर मंडियों में उतार चढ़ाव के साथ हुए चने के सौदे। कोटा मंडी में दर्ज हुई 100 रुपए की नरमी। कानपुर मंडी में 2515 रुपए पर बिका बाजरा। जयपुर मंडी में 2237 रुपए रहा भाव।
और आइए बात करते हैं चना की। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को चने की आवक सामान्य रही और इसके सौदे उठापटक के साथ हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में 100 रुपए कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जयपुर और राजकोट मंडी में 5 रुपए की मामूली बढ़त रही। चने के कारोबार पर देखिए हमारी रिपोर्ट। तो आइए चने के कारोबार पर रिपोर्ट देखते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को चने में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान के कोटा मंडी में चने के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहां 9 दिसंबर को चने का भाव था 5,300 रुपए, जो कि 11 दिसंबर को 100 रुपए गिरकर 5,200 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर मंडी में भी चने के सौदे में नरमी देखने को मिली। यहां 9 दिसंबर को चने का भाव 6,510 रुपए था, जो 11 दिसंबर को 20 रुपए गिरकर 6,490 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में चने के कारोबार में तेजी का रुख रहा। यहां 9 दिसंबर को चने का भाव रहा 5,505 रुपए, 11 दिसंबर को इसमें 5 रुपए की बढ़त हुई और भाव 5,510 रुपए क्विंटल पर हो गया। गुजरात की राजकोट मंडी में 9 दिसंबर को चने का भाव रहा 5,550 रुपए, जो 11 दिसंबर को 5 रुपए चढ़कर 5,555 रुपए क्विंटल हो गया। वही बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान देश में चने की उपज 135,43,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 135,44,000 टन रही थी। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 थी। और आइए एक बार फिर से हम बात करते हैं साहिल गोयल जी से चने के भाव पर, आइए उनकी राय लेते हैं। साहिल गोयल जी, आने वाले दिनों में चने का भाव कैसा रह सकता है, क्या अनुमान है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि गत सप्ताह हमें बाजारों में मिले जुले रुख देखने को मिले। मंडियों के अंदर जो है आंशिक उतार चढ़ाव के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि इसकी उत्पादन क्षमता की ओर अगर हम नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें हमें एक आंशिक बढ़त देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर भी जो मांग है उसमें लगभग 1-2% तक का सुधार देखने को मिला है और आगे भी फेस्टिवल सीजन के दौरान ये बढ़त जो है और आ सकती है। इसके अलावा अगर हम निर्यात की ओर नजर डालते हैं तो वहां पे भी हमें जो है 2-4% तक की एक बढ़त देखने को मिली है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव इस चने के भावों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा और आगे आने वाले समय में इसमें एक आंशिक बढ़त आ सकती है। बिल्कुल, तो इन सभी फैक्टर्स का चने के भाव पर प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे में साहिल जी किसानों के लिए क्या आप राय देंगे, क्या करना चाहिए उन्हें? बिल्कुल, किसान भाई बहन चने के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। आने वाले समय में इसमें एक आंशिक बढ़त आने की संभावना लग रही है। दिसंबर जनवरी के दौरान हो सकता है हमें 70-100 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 150-200 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो 150-200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से तेजी जा सकती है, ऐसा कहना है साहिल गोयल जी का। फिलहाल बढ़ते आगे और अब बात करते हैं बैंगन की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में बैंगन के भाव कैसे रहे। शुरुआत गुजरात की सूरत मंडी से करते हैं जहां पर बैंगन का भाव रहा 2,250 रुपए। पंजाब की दोराहा मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए और उत्तर प्रदेश के तुलसीपुर मंडी में भाव रहा 1,430 रुपए। सही भाव आवक्रोता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं गाजर की। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव रहा 1,600 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,750 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आगे अब बात कर लेते हैं आलू की। गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1,700 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए। पंजाब की डोराहा मंडी में भाव रहा 800 रुपए और उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए। इसी के साथ ही यहां पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर।
सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। और ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन के हिस्से में हम जानेंगे ज्वार, जौ के बारे में, लेकिन पहले नजर बाजरा पर। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो सोमवार को एग मार्क नेट के अनुसार राजस्थान की लासोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 2239 रुपए, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2237 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हुए। उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडी में बाजरे की खरीद 2515 रुपए पर हुई और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 2200 रुपए क्विंटल। इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ बाजरे की पैदावार 1,11,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान इसकी उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 13,85,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसी तरह कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 5,47,48,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5,11,01,000 टन रही थी। और आइए बाजरा पर बात करते हैं साहिल गोयल जी से। साहिल गोयल जी, हमने कंपैरिजन भी दिखाया पिछली बार क्या थी और इस बार की स्थिति क्या है, भाव पर कैसा प्रभाव रहेगा इसका? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष बाजरे के फंडामेंटल मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले पूरा साल हमने देखा कि बाजरे के अंदर काफी दबाव के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा था, इस कारण जो भाव हैं काफी निचले स्तरों पर भी आ गए थे। लेकिन पिछले 6 से 8 महीने के दौरान घरेलू मांग के अंदर जो है पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 10% तक का सुधार देखने को मिला है। यही एक मुख्य कारण है कि पिछले 6-8 महीने के दौरान हमें भावों में तेजी देखने को मिली है। अगर मैं अभी करंट चालू सीजन की भी बात करता हूँ तो आने वाले समय में इस मांग में लगभग 5% तक के और सुधार की गुंजाइश लग रही है। उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। निर्यात के स्तर पर भी पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा सुधार देखने को मिला है। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया उत्पादन भी बेहतर है, निर्यात के स्तर पर भी सुधार है, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी, इन तमाम फैक्टर्स का किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, कैसे वो अच्छे भाव प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं बाजरे में तेजी की ही सलाह दूंगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी के आसपास हो सकता है कि हमें इसमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी, और अगर आगे किसान भंडारण क्षमता रखते हैं फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 500 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो इस तेजी का लाभ किसान ले सकते हैं। बने रहे साहिल जी हमारे साथ। फिलहाल अब बढ़ते आगे और बात करते हैं ज्वार की। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को ज्वार की आवक सामान्य बनी रही। भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के मुताबिक 11 दिसंबर को राजस्थान की कोटा मंडी में ज्वार का भाव रहा 2722 रुपए, गुजरात की जम्बूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2800 रुपए, राज्य की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 4600 रुपए, उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में ज्वार का भाव रहा 3275 रुपए,
वहीं इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार 39,90,000 टन रह सकती है। बीते साल यह आंकड़ा 41,51,000 टन था। और आइए साहिल गोयल जी से एक बार फिर से बात करते हैं। साहिल गोयल जी, ज्वार के भाव आगे किस दिशा में जा सकते हैं, क्या अनुमान है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले एक साल के दौरान ज्वार के जो भाव हैं हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। घरेलू स्तर पर हमने देखा कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले पूरे वर्ष कम ही रहते हुए नजर आई है। जी। इसके अलावा घरेलू मांग के अंदर हम देखते हैं माह दर माह जो है हमें 2-4% तक की वृद्धि देखने को मिली। निर्यात के स्तर पर भी हमें अच्छा खासा सुधार देखने को मिला, वहां पे भी लगभग 5-7% तक के बीच में वृद्धि देखने को मिली थी। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव जो है ज्वार के भावों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में इसमें तेजी जारी रहेगी। जी, किसानों के लिए ऐसे में क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। दिसंबर जनवरी के दौरान हमें 350 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 450 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। जी बिल्कुल, तो ये तो बात हुई ज्वार की। आइए अब नजर डालते हैं जौ पर। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ के सौदे 1,802 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में जौ का भाव रहा 2,150 रुपए क्विंटल। राज्य की ही मथुरा मंडी में जौ का भाव रहा 2,160 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इस दौरान जौ की खरीद 2,165 रुपए पर हुई। जौ की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान रबी जौ की पैदावार 16,85,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान इसकी उपज 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार में 3,14,000 टन ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। आइए एक बार फिर से साहिल गोयल जी से बात करते हैं। साहिल जी, जौ की स्थिति क्या नजर आती है आगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो जौ के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी खासी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। घरेलू मांग के अंदर जो है लगभग हमें 5% तक का बदलाव देखने को मिला है और निर्यात की ओर भी हम नजर डालते हैं तो वहां पे भी लगभग 7% तक की वृद्धि देखने को मिली है। जी जी। फेस्टिवल सीजन के अंदर घरेलू मांग और बढ़ने की उम्मीद लग रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट की MSP पॉलिसी का भी लगातार जो है जो को किसानों को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। जी जी बिल्कुल, तो आप बता रहे हैं कि जो उसे फायदा मिलता दिख रहा है, किसानों के लिए आगे और क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? बिल्कुल, किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। दिसंबर जनवरी के दौरान हमें 100 से 120 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर आगे किसान भंडारण क्षमता रखते हैं फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 200 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। जी बिल्कुल, तो तेजी का लाभ और ले सकते हैं किसान फिलहाल। इसी के साथ ही वक्त एक ब्रेक का। साहिल जी आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बात होगी। ब्रेक के बाद जानेंगे धनिया का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब बात करते हैं धनिया की। सोमवार को गुजरात और राजस्थान की ज्यादातर मंडियों में धनिये की आवक रही। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात के बक्सरा मंडी में धनिये का भाव रहा 6,562 रुपए,
जबकि यह कि राजकोट मंडी में धनिया 7375 रुपए पर बिकी। आप देख सकते हैं राजकोट मंडी का भाव। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो यहां पर धनिया का भाव रहा 6200 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में धनिया का भाव रहा 10000 रुपए। वहीं बात धनिया के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिया के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिया का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिया का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिया का निर्यात 48,656 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिया का निर्यात 5,825 टन बढ़ा है। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी हमारे साथ लगातार बने हुए फोन लाइन पर। साहिल जी, धनिया की स्थिति क्या नजर आ रही है, किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धनिया के भावों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं पिछले 6 से 8 महीने के दौरान धनिया के भावों में हमें काफी तेजी देखने को मिली थी। घरेलू स्तर पर मांग में वृद्धि होने के कारण और इसके अलावा उत्पादन क्षमता में आंशिक कमी आने के कारण हमें ये भावों में वृद्धि देखने को मिली थी। आगे आने वाले समय में घरेलू मांग के अंदर जो है लगभग 3 से 5% तक वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है और निर्यात के अंदर भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 5% तक का सुधार देखने को मिला है। कई ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे भारतीय धनिया की जो है काफी ज्यादा डिमांड जो है देखने को मिली है। अरब कंट्रीज में विशेषता रूप से भारतीय धनिया को काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता है। बिल्कुल, तो जैसे कि आपने बताया कि निर्यात में भी वृद्धि है और इसकी उपज में भी अच्छे संकेत हैं, ऐसे में आप किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? भाव किस दिशा में जा सकते हैं, गिरेंगे या और तेज होंगे? बिल्कुल किसान भाई बहन, धनिया के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। दिसंबर जनवरी के दौरान हमें जो है 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर आगे मांग में और सुधार होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 से 500 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल, तो तेजी और ज्यादा आगे जा सकती है जिसका लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं, लेकिन समय पर बाजार पर नजर जरूर बनाकर रखें। साहिल जी, हमसे बात करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेब की। हरियाणा की गोहाना मंडी में सेब का भाव रहा 3000 रुपए। वही पंजाब की करशंकर मंडी में भाव रहा 7000 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 6000 रुपए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 7000 रुपए। और अब नजर केले के भाव पर। पंजाब की करशंकर मंडी में केले का भाव रहा 2500 रुपए। केरल की पाला मंडी में भाव रहा 4200 रुपए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2300 रुपए और यही की फिरोजाबाद मंडी में भाव रहा 2300 रुपए। आगे बात करते हैं अमरूद की। हरियाणा की गोहाना मंडी में अमरूद का भाव रहा 2500 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1500 रुपए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2400 रुपए। यही की फिरोजाबाद मंडी में भाव रहा 2270 रुपए। सही भाव आपके अनुसार है। और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद हो रही होगी। चलते चलते ये भी बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन करें और DD किसान की YouTube चैनल पर भी देखें मंडी खबर। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे विदा। नमस्कार, लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान।